नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आप देख सकते हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, जिसको हम PGIMER चंडीगढ़ भी बोलते हैं। यह नोटिफिकेशन भर्ती प्रकोष्ठ रिक्रूटमेंट सेल द्वारा, आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, PGI/RC रिक्रूटमेंट सेल /041/2023, ये 2023 कैलेंडर के लिए जारी किया गया है और लेटर नंबर है 4708। आप डेट्स देख सकते हैं, 22 दिसंबर 2023 को रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल गाइडलाइंस इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन के माध्यम से यह जारी किया गया है। साथियों, जो PGIM चंडीगढ़ है उसने टोटल 41 पोस्ट, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है, जो PGIM चंडीगढ़, और एक पोस्ट मेडिकल अफसर ग्रुप ए जो PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब, जो मेंशन है सेक्शन 2 ऑफ द नोटिस, को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे निकाला है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय पे, जैसा कि ये जो नोटिफिकेशन है वो भारत सरकार के अंतर्गत है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए निकाला गया है, और वर्तमान समय पर भारत सरकार के अंतर्गत जो DOPT का लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अनुसार तीन प्रकार के ग्रुप हैं। ग्रुप ए जो क्लास 1 अफसर होते हैं, ग्रुप बी में भी जो राजपत्रित अधिकारी भी होते हैं, अराजपत्रित अधिकारी भी होते हैं, और ग्रुप सी। पहले यह 4 प्रकार का होता था, ग्रुप A, B, C और D। विगत कुछ वर्षों पहले DOPT ने इसको एक नोटिस, एक OM के माध्यम से ग्रुप डी पोस्ट को ख़त्म करते हुए उसको सी में मर्ज कर दिया। तो वर्तमान समय पर, यह मैं आपकी एडिशनल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कि भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं वह ग्रुप A, B और C के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए, जो 41 पोस्ट के लिए यह नोटिस निकाला गया है, आइए हम उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वह 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। अर्थात आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अभी भी यहाँ पर साइट का देखें, www.pgimer.edu.in, जो रिक्रूटमेंट लिंक का यह लिंक है, आप यहाँ पर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, वो 25/1/2024, अर्थात 25 जनवरी 2024 है। आइए हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। साथियों, देखिए, यहाँ पे PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, अर्थात वह एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्प्टेड है। SC ST कैटेगरी के लिए ₹800 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी अप्लीकेबल है वह देय होगा। उसके अलावा जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, OBC कैंडिडेट हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, उनको 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो अप्लीकेबल है वो देना होगा। यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ पेमेंट में क्लियर दिखाया है कि जो आपका पेमेंट होगा वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करें। UPI पेमेंट को अवॉइड करें। अगर आप लोग UPI पेमेंट करते हैं और वो फेल्योर होता है, तो इसके लिए जो एजेंसी है वो जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि यह जो फी पेमेंट होता है वह नॉन रिफंडेबल होता है। इस केस में इन्होंने क्लियर, आप देख सकते हैं कि रेड में हाईलाइट करके लिखा है कि आप UPI पेमेंट को अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस इन्होंने दिया है कि जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है तो आप अप्लाई ना करें। अदरवाइज अगर आप कोई भी फैब्रिकेट डाटा इस पे उपलब्ध कराते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद जॉब में प्रवेश करना चाहते हैं, तो किसी भी समय जैसे ही यूनिवर्सिटी को, जो PGIMER है उसको पता चलता है, तो आपका कैंडिडेटर वह कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद जितनी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है रिक्रूटमेंट से संबंधित, आपके CVT टेस्ट से संबंधित, या आपका कॉल लेटर से संबंधित, या आपको शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू से संबंधित, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित, इत्यादि तरह तरह के जो भी आपका ये है, वह आपको PGIMER वेबसाइट इस पर उपलब्ध होगा। आप हमेशा उसको विजिट करते रहिए, जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिलेगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है,
गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं, इन्होंने इसमें मेंशन किया है। आइए हम डिटेल में बात करते हैं जो वैकेंसीज है, पे स्केल है और एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसके बारे में, जो पीजीआईएम चंडीगढ़ के लिए है। साथियों, मैं जो ये नोटिस है, मैं स्टाफ नर्सिंग से रिलेटेड बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नर्सिंग से रिलेटेड आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 में ट्यूटर 9, यह नर्सिंग ट्यूटर के लिए निकाला गया है पोस्ट, और पोस्ट कोड है ट्यूटर N/172, यह क्लास 1 अफसर का पोस्ट है साथियों, ग्रुप ए का पोस्ट है। और जो टोटल वैकेंसी कंडीशन है वो 6 है, टोटल 6 पोस्ट है। UR के लिए 3, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, OBC के लिए 3 है और PWBD के लिए 1 है। आइए हम डिटेल्स में बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन भर सकता है और कौन कौन नहीं भर सकता है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें नहीं, नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 नर्सिंग ट्यूटर 9, जो आपका पे लेवल है क्लास 1 के अंतर्गत, 7 CPC, 7 CPC के अंतर्गत क्लास 1 अफसर के अनुरूप जो आपका है लेवल 10 है, और बेसिक आपका जो रहेगा पे स्केल 56,100 से 1,77,500 तक है। इसके अंतर्गत आपको पेमेंट मिलेगा। आपका जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए, और भारत सरकार का जो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी है एज पर कैटेगरी आपको वो दे है। अब आइए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होने चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। जिस कैंडिडेट्स ने BSc नर्सिंग और उसके बाद 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस उनके पास है, वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन इन्होंने क्या दिया है कि जिसके पास MSc नर्सिंग है और उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस सिस्टर ग्रेड 2 का मीन्स हो गया स्टाफ नर्स या नर्सिंग अफसर के रूप में टीचिंग हॉस्पिटल जो कि 1,000 बेड का होना चाहिए, वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, वह भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तीसरा कंडीशन है, जिन्होंने MSc नर्सिंग किया है और उसके बाद 2 साल का उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के कंडीशन दिए हैं साथियों, हमने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन भर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट सूचना है जो एज रिलैक्सेशन से संबंधित है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पूरे बहुत सारे पोस्ट हैं, टोटल 41, तो अलग अलग कैटेगरी के हैं। उसके बाद कुछ नोट में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं काफ़ी है, और एब्रीवेशंस भी दिए गए हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े हैं। आप इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहां पर जाके गो थ्रू कर सकते हैं। आइए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड उसके बारे में हम बात करते हैं। जो अपर एज लिमिट जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, वो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का, जो लास्ट डेट होगा उसी डेट को अपर एज माना जाएगा। जो डेट ऑफ बर्थ का आपका कैलकुलेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका जो माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, वह है मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन के जो सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी के अनुरूप माना जाएगा। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी वैकेंसी, अर्थात अनरिजर्व की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अनुरूप, उसमें मीन्स अनरिजर्व पोस्ट के लिए अगर कोई रिजर्व कैटेगरी वाला SC ST या OBC कैटेगरी का कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट आप अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन दे नहीं होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है DOPT का, उसके अनुसार है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD के लिए 10 ईयर्स का है। PWBD प्लस SC ST जो है उनको 10+5 ईयर्स, और PWBD प्लस OBC जो है 10+3 ईयर्स का दे है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन इम्प्लाई हैं उनको, और उन्होंने देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि उन्होंने 3 साल का कम से कम रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस, क्लोजिंग डेट तक, जो क्लोजिंग डेट है तब तक आपका 3 साल का रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस है, तो आपको 5 ईयर्स अप टू 40 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लाई हैं और जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5+3 8 ईयर्स का दिया जाएगा, मैक्सिमम 43 ईयर्स तक। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लाई हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5+5 मीन्स 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मैक्सिमम अप टू 45 ईयर्स तक। PGIM
ईआर चंडीगढ़ के जो एम्प्लाईज हैं उनको 10 ईयर्स का दिया जाएगा, एक्स सर्विस जो एम्प्लाई हैं उनको 5 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो दे होगा। एक्स सर्विस जो होता है उसमें कई सारे इन्होंने कंडीशन रखा है, आप कंडीशन काफ़ी लंबा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है तो साथियों, इसके बाद ग्रुप सी का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है जो हमारे से संबंधित नहीं है। तो ये मोटी मोटा जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई शंका हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर रेज कर सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे आपके जो क्वेरी है उसका समाधान किया जाए। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंचते रहें। थैंक यू।